अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनाहिल रऊफ़ है और मेरा ताल्लुक शहर फैसलाबाद से है। बाय प्रोफेशन मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। 2019 में मैंने गुलाम साख खान इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन मुकम्मल की अपनी। लेकिन जो मेरी जर्नी है वो मैं थोड़ी सी अगर बताऊँ कि कहाँ पर आकर अनसा ने मेरे लिए एक रहनुमाई की किरण फराहम की, तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही सेक्युलर ख़ानदान से, और एजुकेशन भी हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन रही, और फैमिली में भी दीन से ताल्लुक़ बस बिदतों की हद तक ही था कि किसी की वफ़ात हो जाए तो कुरान निकालना है, किसी की रुखसती है तो कुरान निकल रहा है, और बस यहाँ तक ही था। मेरा अपना ताल्लुक बिर कुरान तो इतना नाकिस था कि बचपन में बच्चों ने नाज़रे कुरान कम अज़ कम किया होता है, एक पूरा कुरान ख़त्म किया होता है कहने को, मैंने वो भी नहीं किया हुआ था। और मौसीकी और गाने और इन चीज़ों से इतना ज़्यादा एक्सपोजर था कि आप कोई गाने का नाम लेते और मुझे उसके ए टू ज़ेड लिरिक्स याद थे, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी थी, बच्चों की होती है वैसे भी। ये मेरे हालात थे, ये मेरा बचपन था। और यूनिवर्सिटी जब मैं अपनी गई 2015 के अंदर, तो वहाँ पर भी मेरा जो स्पिरिचुअल वॉइड था एक, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं 18+ थी और चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मेरे अंदर की एक जो वो वैक्यूम था वो बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से मैंने मेंटली बहुत सफ़र किया उन 4 साल। लेकिन उसकी वजह कभी मैं, उसकी जो सोर्स था वो मैं कभी तशखीस नहीं उसकी कर पाई, कभी समझ ही नहीं पाई कि अंदर मेरे क्या चीखों पुकार चल रही है, ये अंदर मेरे क्या चल रहा है, ये इतनी खाली, इतना खालीपन मेरे अंदर क्यों है, सब कुछ तो है मेरे पास। खैर, अब हर दफ़ा रमज़ान आता था और चला जाता था, रोज़े कभी रख लिए कभी नहीं रखे, नमाज़ें कभी पढ़ लीं कभी छोड़ दीं, और रमज़ान के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मुझे ये याद है कि उसके बाद मैंने CSS की तैयारी के लिए सोचा हुआ था 1 साल से, और बहुत मैं मोटिवेटेड और कन्विक्टेड थी, जुनून की हद तक थी। तैयारी के लिए लाहौर चलेगी, तैयारी करके जब मैं फाइनली वापस आई तो अब वो जो एक स्पिरिचुअल वैक्यूम था मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और वो इस हद तक बढ़ा कि मुझे अपनी पिछली जो ज़िंदगी में गुजार रही थी, जिसका मैं हिस्सा थी, और जो मेरे एम्स और एम्बिशंस थे, मुझे उनसे चिढ़ होना शुरू हो गई, मुझे उनसे वहशत होनी शुरू हो गई, मुझे उनसे खौफ आना शुरू हो गया। और मैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे दिल में हो क्या रहा है, ये मेरे ख्यालात क्यों बदल रहे हैं, क्या मैं बदल रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और वाकईतन मैंने अपने दिल की हालत के ज़रिए उस हदीस की अमली तशरीह महसूस की कि अल्लाह के दो उंगलियों के माबैन है तुम्हारा दिल, वो जब चाहे जिधर चाहे फेर दे, और वाकई अल्लाह ने मेरा दिल फेरा और ऐसे थामा मुझे कि मुझे नहीं, मैं अब सोचती हूँ कि बड़ी हिम्मत के काम मैंने तब किए, मैंने सारे अपने पिछले ताल्लुक रबते तोड़ दिए, पिछले सारे जो मेरे लोग ज़िंदगी में थे जो मुझे उस गफलत की राह तक लेके जा सकते थे दोबारा, मैंने उन सबको छोड़ दिया, मौसीकी छोड़ दी मैंने, यहाँ तक कि CSS के एग्ज़ाम्स दिए फरवरी के अंदर, तो इतनी बेदिली और जानबूझ के गलत तरीके से दिए ताकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मुझे उस रास्ते से उस सारी चीज़ों से वहशत होनी शुरू हो गई, नफ़रत हो गई थी। अब इस हद तक मेरा दिल बदल गया था, और अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे मेरी आंखों के ज़रिए दिखा दिया कि तुम्हारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा दिल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और बस फिर ये हुआ कि पेपर्स देने के बाद मैंने, एक वलीमा था मेरे ख़ानदान के अंदर, और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई हिजाब करके, तो उस वलीमे पे गई एक अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से कि अब मैं यही हूँ, अब मैं ऐसी ही हूँ, और ये अब मैं सोचूं कि भाई गई भी तो पहली दफ़ा वलीमे पे गई सारे ख़ानदान के सामने, ये हिम्मत का काम था, और अल्लाह सुभान व तआला ने हिम्मत दी उस वक्त, और दिल पाक नहीं था, गुनाह सिर्फ अभी छोड़े थे, अभी कुरान पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, खुदा जाने क्यों दी। और उसके बाद बस फिर मैंने अरबी सीखना शुरू की, मेरा भाई उसका ताल्लुक तंजीम इस्लामी से, मेरे से छोटा है वो, लेकिन ये कि उसकी भी ऐसी ही एक जर्नी रही, तो उसके मुंह से मैंने, एक उस्ताद हैं फैसलाबाद की काफ़ी मशहूर अरबी के उस्ताद हैं, उनका नाम सुना हुआ था, तो मैंने उनके ऑनलाइन लेक्चर्स देना शुरू कर दिया, उनका कोर्स करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ मैं करती रही। और अल्लाह की तौफीक से रमज़ान जब आया, कुरान मुझे पढ़ने की तौफीक हासिल हुई, पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुरान पढ़ने की तौफीक मिली ख़ुद से, और वो भी मौसीकी से, जब दिल पाक हुआ उस वक्त मैंने कुरान पढ़ा, तो बार बार इन्फाक 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 समझ नहीं आती थी क्या इन्फाक, लेकिन जब सूरह आले इमरान पर पहुंची
मुझे ये हिट किया कि ठीक है तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़ आई हो, तुम हर चीज़ छोड़ आई हो, अपनी उस लाइफ को छोड़ आई हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को, तुम्हारे पास बहुत कुछ है खर्च करने को, तुम्हारे पास माल नहीं है तो तुम्हारे पास सेहत है, तुम्हारे पास जवानी है, तुम्हारे पास बोलने की सलाहियत है, तुम्हारे पास अच्छी याददाश्त है, तुम्हारे पास जो है वो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर, तो तुम ये सारा कुछ अपने दीन की राह में खर्च कर दो ना। और सूरह माईदा की जब आयत वो मैंने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीना लिल्लाहि शुहदा अबिल क़िस्त, तो ये आयत मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट एक बनी कि मैंने अपने आप से और अल्लाह से वादा कर लिया कि अब सब कुछ छोड़ तो दिया है लेकिन अब आगे हर चीज़ अल्लाह की राह में लगानी है, हर कुव्वत को दीन के लिए हाजिर करना है। और अल्लाह से दुआ करती थी कि यार मौत इस्तकामत पे देना, ये नया नया है सारा कुछ छूट गया तो किस क्या मुंह दिखाऊंगी तुझे। और अकेली थी, बिल्कुल बिल्कुल तन्हा थी, कोई मेंटोर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू तो कुरान नहीं पढ़ रही थी, मैं खुद ही से पढ़ रही थी, तो कोई रब समझ में नहीं आता था, कुछ दो चार बातें बीच में से समझ आ भी जाती थी, कोई मेरे पास डायरेक्शन और जमात नहीं थी। और मुझे एक दफ़ा मेरे भाई ने कहीं कहा था ये कि मुनाहिल अगर तुम इस रास्ते पर चलने लगी हो ना तो कोशिश करो अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जोड़ के रखना। और ऐसे ही अन्नसा मुझे मिली उस मकाम उस वक्त पे जब मैं अल्लाह से वादा कर चुकी थी और मुझे कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी इस वादे पर कायम रहने की और चलने की और गुमराही से बचने की, तब मुझे अन्नसा मिला। और मेरी अम्मी के फ़ोन पर उन्होंने फॉलो किया पता फेसबुक पर, तो वो कुछ मैं देख रही थी तो मुझे अन्नसा की वो नोटिफिकेशन आई कि 15 जून से कोर्स शुरू हो रहा है और उस दिन 1 जुलाई थी। और मैंने कहा 2 हफ्ते तो हो गए, चलो कोई नहीं अभी मैं जो है ना वो रजिस्टर करा देती हूँ। और मैंने कॉल की और मैंने जो है वो मिस मारिया से वैसे से बात की और बस अगले दिन से मैंने अन्नसा ज्वाइन कर ली और मैंने कोर्स ज्वाइन कर ली। और अल्लाह सुभान व तआला ने अन्नसा के ज़रिए मुझे रहनुमाई दी और मुझे रहनुमाई की वो उन किरणों से मुझे निछावर कर दिया जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं एक बहुत ही लो स्पेस में थी उस टाइम पर, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँगी, इसके बाद सब्र क्या होता है, कैसे सब्र करूँ। और यकीन जानिए कि तमाम की तमाम जो हमारी उस्ताज़ा हैं अन्नसा की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हों, चाहे वो पढ़ा रही हों, और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़ेबा वक़ार, ये सारी मेरे लिए मेरी रूहानी माँओं की हैसियत रखती हैं। क्योंकि आप लोग तो ये काम कर रहे होते हैं लेकिन आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आप लोग इंडिविजुअली हर किसी की ज़िंदगी पे और उसके दिल पे किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं और किस तरह से उसकी ज़िंदगी को असरअंदाज कर रहे हैं। तो अन्नसा मेरे लिए वो रहनुमाई की किरण बना। और हाँ, उस तब जब से ये कोर्स शुरू है मेरे लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं, जाहिर सी बातें आते हैं और उन पर सब्र भी करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला ने अन्नसा के ज़रिए एक वो जो रबता कायम कर दिया है ना अब कुरान के साथ, वो अब मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो अब ज़िंदगी भर का रबता है। और ये रास्ता, ये वादा जो मैंने अल्लाह सुबहाना व तआला से करके चुना है, वो ये अन्नसा के थ्रू मैं पूरा कर सकूंगी। और वो गाइडेंस और वो मेंटोरशिप और वो रहनुमाई मुझे यहाँ से हमेशा मिलती रहेगी। तो आप सबके लिए मेरे दिल की गहराइयों से दुआएं हैं और अल्लाह सुबहान व तआला आप सबको लोगों की ज़िंदगियों पर इस तरह असर करने की तौफीक देता रहे और हमारे सरों पर आप लोगों की रहनुमाई का साया हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।